हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो हम बात करेंगे चैंपियंस लीग के मैच के बारे में, जो गाइस खेला जाएगा यहाँ से यंग बॉयज़ और मैनचेस्टर यूनाइटेड के बीच में होने वाले इस मैच के बारे में। तो गाइज इस वीडियो में इन दोनों टीमों के रिसेंट फॉर्म और इन दोनों टीमों के प्लेयर्स के बारे में बात करेंगे, कौन से प्लेयर ने कितना गोल और कितना असिस्ट किए हैं। और गाइज बात करेंगे जब ये दोनों टीमें आपस में खेलती हैं तो क्या रहता है इन दोनों टीमों का हेड टू रिकॉर्ड, और गाइज कौन से प्लेयर हैं जो कंसिस्टेंट गोल करते हैं इन दोनों टीमों की तरफ से, और कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स के बारे में बात करेंगे जिनका ड्रीम इलेवन पर काफ़ी लो सिलेक्शन रहेगा और उन्हें आप अपनी स्मॉल लीग टीम में कैप्टन प्लस वाइस कैप्टन बना सकते हो वीडियो कंप्लीट देखने के बाद और प्लेयर का कंप्लीट रिकॉर्ड देखने के बाद। तो गाइस सबसे पहले नजर डालते हैं इन दोनों टीमों का हेड टू हेड मैचेस। उससे पहले गाइस यंग बॉयज स्विट्जरलैंड की टीम है और स्विट्जरलैंड लीग में ये टॉप ऑफ द बेस्ट टीम मानी जाती है अटैकिंग वाइज भी और डिफेंसिव वाइज भी। वहीं पर बात करें मैनचेस्टर यूनाइटेड, आप इसके बारे में सभी जानते हैं कि ये प्रीमियर लीग खेलती है और वहाँ पर इसका जो परफॉर्मेंस है अटैकिंग वाइज भी और डिफेंस वाइज भी काफ़ी बेहतरीन रहता है। अगर इन दोनों टीमों में कंपेयर किया जाए कि किस टीम को हम अपनी ड्रीम इलेवन टीम के लिए एक फेवरेट टीम मान के चलें, तो गाइज यहाँ से क्लियर कट फेवरेट टीम यहाँ से मैनचेस्टर यूनाइटेड रहेगी इस मैच में। तो इसी के फेवर में हम अपनी ड्रीम इलेवन टीम बनाएंगे 7-4 के अनुसार। और उससे पहले बात करेंगे इन दोनों टीमों के हेड टू हेड मैचेस के बारे में। तो गाइस इन दोनों टीमों के बीच में दो हेड टू हेड मैच हुए और दोनों मैच यहां से आप देख सकते हो मैनचेस्टर यूनाइटेड ने विन किए हैं। अटैकिंग वाइज प्रत्येक मैच में दो गोल पर मैच स्कोर करती है, लेकिन इस टीम के सामने अभी तक एक भी गोल कंसीड नहीं किया। अटैकिंग वाइज गोल करती है लेकिन डिफेंस वाइज गोल कंसीड नहीं करती। अब गाइस बात करें जो पिछला मैच इन दोनों टीमों के बीच में हुआ, तो वो मैच यहां से मैनचेस्टर यूनाइटेड 1-0 से विन कर गई। अटैकिंग वाइज मैनचेस्टर यूनाइटेड ने एक गोल किया लेकिन डिफेंसिव वाइज इस टीम के सामने गोल कंसीड नहीं किया। और उससे पिछले मुकाबले इन दोनों टीमों के बीच में अगेन मैच हुआ, उस मैच को भी यहां से मैनचेस्टर यूनाइटेड 3-0 से विन कर गई। अटैकिंग वाइज मैनचेस्टर यूनाइटेड टीम की तरफ से 3 गोल देखने को मिले लेकिन डिफेंसिव वाइज इस टीम के सामने गोल कंसीड नहीं किया। तो इसीलिए मैं यहां से मैनचेस्टर यूनाइटेड को एक फेवरेट टीम मानकर चलता हूं, क्योंकि इसका जो परफॉर्मेंस है वो काफी बेहतरीन है और जो मैनचेस्टर यूनाइटेड के पास जो प्लेयर्स हैं वो काफी बेहतरीन है। अटैकिंग वाइज भी अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं और डिफेंसिव वाइज भी आपको अच्छा परफॉर्मेंस करते नजर आएंगे। लेकिन गाइज हम बात करेंगे इन दोनों टीमों जो करंट फॉर्म उसका अकॉर्डिंग जो फिलहाल के टाइम पे जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में। तो गाइज हेड टू हेड में तो यहाँ से मैनचेस्टर यूनाइटेड एक फेवरेट टीम निकल कर आती है। अब बात करें यंग बॉयज करंटली 6 मैच खेल चुकी है जिनमें से 5 मैच विन भी किए और 1 मैच ड्रॉ भी खेला, अपनी लीग में अभी तक इस टीम ने लॉस नहीं किया। अटैकिंग वाइज वहां पर ये टीम 3 गोल पर मैच स्कोर करने का एवरेज ये टीम गोल करती है और डिफेंसिव वाइज 1.2 गोल पर मैच स्कोर कंसीड भी कर देती है। तो गाइज यंग बॉयज जो परफॉर्मेंस है अटैकिंग वाइज प्रत्येक मैच में अपनी लीग में कम से कम 2 या 3 गोल पर मैच स्कोर करने का एवरेज से गोल करती है, लेकिन डिफेंसिव वाइज ये टीम प्रत्येक मैच में 1 या 2 गोल पर मैच स्कोर कंसीड भी कर देती है। अब गाइज बात करें जो पिछला मैच यंग बॉयज जूरिक के सामने 4-0 से मैच को विन करके आ रही है। अटैकिंग वाइज 4 गोल के लेकिन डिफेंसिव वाइज इस टीम ने गोल कंसीड नहीं किया और वहां पर जो इस टीम का परफॉर्मेंस था ना वो काफी अच्छा था। आप यहां से देख सकते हो 1-1 से मैच को ड्रॉ खेला और उससे पिछले मुकाबले ये टीम 3-2 से मैच को विन करके आ रही है। उससे पिछले मुकाबले अगेन ये टीम 3-2 से विन करी और उससे पिछले मुकाबले 4-1 से विन और फिर इस टीम ने 3-1 से विन। ये गाइज स्विट्जरलैंड प्रीमियर लीग का मैच का रिजल्ट है आपके सामने और इस टीम का जो वहाँ पर परफॉर्मेंस वो काफ़ी बेहतरीन रहता है अटैकिंग वाइज भी और डिफेंसिव वाइज भी। वहाँ पर ये टीम प्रत्येक मैच में कम से कम 2 या 3 गोल स्कोर करती है लेकिन डिफेंसिव वाइज एक बेहतर टीम के सामने गोल कंसीड कर देती है। लेकिन आज यंग बॉयज का मैच होने वाला मैनचेस्टर यूनाइटेड के सामने, जो कि काफ़ी बेहतरीन अटैकिंग वाइज प्लस डिफेंसिव वाइज टीम है, क्या उसके सामने ये टीम गोल कर पाएगी वो देखने वाली बात रहेगी। उससे पहले बात करते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड का जो करंट फॉर्म उसका अकॉर्डिंग जो फिलहाल के टाइम परफॉर्मेंस है उसके बारे में। तो गाइज मैनचेस्टर यूनाइटेड ने करंटली 6 मैच खेले हैं जिनमें से 4 मैच विन भी किए हैं, 2 मैच ड्रॉ भी खेले हैं, अभी तक एक भी मैच लॉस नहीं किया। अटैकिंग वाइज 2.8 गोल पर मैच स्कोर करने का एवरेज ये टीम गोल करती है फिलहाल के टाइम पर और डिफेंसिव वाइज 0.8 गोल पर मैच स्कोर कंसीड करने का एवरेज से गोल कंसीड करती है। मतलब जो मैनचेस्टर यूनाइटेड है प्रत्येक मैच में फिलहाल के टाइम पर 2 या 3 गोल पर मैच स्कोर करती है, डिफेंसिव वाइज जल्दी से गोल कंसीड नहीं करती, बेहतर टीम के सामने प्रत्येक 2 मैच में 1 गोल कंसीड करती है। अब गाइस बात करें जो पिछला मैच मैनचेस्टर यूनाइटेड न्यूकास्टल जेट्स के सामने
4-1 से विन करके आ रही है। अटैकिंग वाइज 4 गोल के, लेकिन डिफेंस वाइज 1 गोल कंसीड किया। और उससे पिछले मुकाबले वॉल्वरहैम्पटन के सामने ये टीम 1-0 से विन करके आ रही है। अटैकिंग वाइज 1 गोल के, लेकिन डिफेंस वाइज गोल कंसीड नहीं किया। और उससे पिछले मुकाबले साउथहैम्पटन के सामने ये टीम 1-1 से मैच को ड्रॉ खेल कर रही। और उससे पिछले मुकाबले लीड्स यूनाइटेड के सामने ये टीम 5-1 से विन करके आ रही। और उससे पिछले मुकाबले मैनचेस्टर यूनाइटेड एवर्टन के सामने 4-0 से विन किया। और उससे पिछले मुकाबले ब्रेंटफोर्ड के सामने ये टीम 2-2 से मैच को ड्रॉ खेल कर आ रही। अटैकिंग वाइज इस टीम का जो परफॉर्मेंस है, प्रत्येक मैच में कम से कम 3 या 4 गोल पर मैच स्कोर करने का एवरेज से गोल करती है। और डिफेंसिव वाइज ये टीम जल्दी से गोल कंसीड नहीं करती, बेहतर टीम के सामने पर मैच में 1 गोल कंसीड करती है। तो गाइस अब बात आती है इस मैच का स्कोर लाइन प्रेडिक्शन क्या हो सकता है हमारी शमोलिक टीम क्रिएट करने के लिए ड्रीम 11 पर। तो गाइस सबसे पहले हमने इन दोनों टीमों का हेड टू हेड मैचेस पर नजर डाली, फिर इन दोनों टीमों को रीसेंट फॉर्म पर नजर डाली। तो गाइस इन दोनों चीजों को एक साथ मद्देनजर रखते हुए इस मैच का स्कोर लाइन प्रेडिक्शन क्या हो सकता है। तो गाइस हेड टू हेड में तो क्लियर कट फेवरेट टीम यहां से मैनचेस्टर यूनाइटेड निकल कर आती है। अटैकिंग वाइज इस टीम के सामने गोल करती भी है, लेकिन डिफेंस वाइज अभी तक 1 भी गोल कंसीड नहीं किया। तो परफॉर्मेंस मैनचेस्टर यूनाइटेड का ही देखने को मिला। और रीसेंट फॉर्म का अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो यंग बॉयज का जो परफॉर्मेंस अपने लीग में काफी बेहतरीन है। अटैकिंग वाइज गोल करती भी और डिफेंस वाइज कहने के प्रत्येक मैच में गोल कंसीड भी कर देती है। लेकिन मैनचेस्टर यूनाइटेड का जो रीसेंट फॉर्म, अटैकिंग वाइज प्रत्येक मैच में कम से कम 3 या 4 गोल पर मैच स्कोर करती है, लेकिन डिफेंस वाइज जल्दी से गोल कंसीड नहीं करती, बेहतर टीम के सामने प्रत्येक 2 मैच में 1 गोल कंसीड करती है। तो गाइस इसलिए मुझे लगता है इस मैच का स्कोर लाइन यहां से मैनचेस्टर यूनाइटेड की ओर जाना चाहिए। तो यंग बॉयज इस मैच में कहीं ना कहीं 1 गोल कर सकती है और मैनचेस्टर यूनाइटेड कम से कम इस मैच में 3 गोल करनी चाहिए। तो इसलिए अपना स्कोर लाइन प्रेडिक्शन इस मैच में होने वाला 1-3 और 1-3 के प्रेडिक्शन का अनुसार ही हम अपनी ड्रीम 11 टीम क्रिएट करेंगे ड्रीम 11 पर। उससे पहले बात करेंगे इन दोनों टीमों के प्लेयर्स के बारे में कि कौन से प्लेयर ने कितना गोल और कितना असिस्ट किए। तो सबसे पहले नजर डालते हैं यंग बॉयज के जो प्लेयर्स उनके बारे में कि कौन से प्लेयर ने कितना गोल और कितना असिस्ट किए, फिर नजर डालेंगे मैनचेस्टर यूनाइटेड के प्लेयर्स के बारे में। तो सबसे पहले नजर डालते हैं यंग बॉयज के प्लेयर्स के बारे में। उससे पहले अगर आप नए हो और आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, काफी कम समय में आपको काफी ज्यादा नॉलेज इस वीडियो के माध्यम से हमेशा मिलती रहेगी। और इंपॉर्टेंट बात यह है, और इस मैच की जो फाइनल टीम रहेगी वो आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने टॉप के कॉमेंट और इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप वहां से टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना। लेकिन याद रहे सर्च करके ज्वाइन मत करना, क्योंकि फैंक चैनल बहुत बन चुके हैं हमारे चैनल के नाम से और फैंक चैनल वाले सबसे ऊपर आते हैं सर्च करने पे। तो इसलिए सबसे आसान तरीका यही है कि आप टॉप के कमेंट और वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। अब बात करते हैं सीधे मुद्दे के प्लेयर वाइज की कौन से प्लेयर ने कितने गोल और कितना असिस्ट किए। तो एक बार नजर डालते हैं यंग बॉयज के प्लेयर्स के बारे में। तो गाइस यंग बॉयज टीम तरफ फिलहाल के टाइम पे जो हाईएस्ट गोल टेकर मैशचक इलिया जो कि 3 गोल कर चुका और ये एक इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा, आप इन्हें ट्राई करके जरूर चलना क्योंकि इसका जो गोल करने का चांस है ना वो काफी हाई है। वहीं पर बात करें सेकंड हाईएस्ट गोल टेकर टीम तरफ से आपको देखने को मिलेंगे जॉर्डन जिसने 3 गोल किए, तो ये भी कहीं ना कहीं कि आपके लिए एक इंपॉर्टेंट प्लेयर निकल कर आएगा। और बात करें थर्ड हाईएस्ट गोल टेकर टीम तरफ से एबिस्चर जिसने 2 गोल किए, तो ये एक ऐसा प्लेयर है जो आपके लिए लॉन्ग शॉट से गोल करके दे सकता हो प्लस डिफेंसिव पॉइंट तो आपके लिए देगा ही देगा। तो उस कंडीशन में आपके लिए टॉप 3 तो पिक करके चलना चाहिए, बाकी का आप सामने सभी प्लेयर्स का रिकॉर्ड आप स्क्रीन शॉट ले लेना। अब बात करते हैं असिस्ट के मामले इस टीम तरह से कौन से प्लेयर निकल कर आते हैं, तो एक बार नजर डाल। तो गाइज असिस्ट के मामले में यहाँ से मैशचक इलिया जो कि 1 असिस्ट कर चुका और जॉर्डन जिसने 1 असिस्ट किया और यहाँ से एबिस्चर जिसने 1 गोल असिस्ट किया और बाकी के जो भी प्लेयर्स हैं उन सभी का आपके सामने रिकॉर्ड है, आप स्क्रीन शॉट ले लेना। जो यहाँ से इंपॉर्टेंट प्लेयर है मैं उनको टिक कर रहा हूँ और उन्हें आप अपनी टीम में पिक करके चल लेना। अब बात करते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड की टीम की तरफ से वो कौन से प्लेयर हैं जो हाईएस्ट गोल प्लस हाईएस्ट असिस्ट किए हैं, तो एक बार नजर डालते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड के प्लेयर्स के बारे में। तो गाइज मैनचेस्टर यूनाइटेड की टीम की तरफ से फिलहाल के टाइम पर जो हाईएस्ट गोल टेकर हैं ब्रूनो फर्नांडिस जिसने इस टीम की तरफ से 4 गोल किए, तो एक ऑब्वियस पिक रहेगा, आप इन्हें टीम में ट्राई करना प्लस कैप्टन वाइस कैप्टन भी दे सकते हो। लेकिन मैं फिलहाल के लिए अपनी टीम का वाइस कैप्टन देख चला हूं। वहीं पर बात करें सेकंड हाईएस्ट गोल टेकर इस टीम की तरफ से मैसन ग्रीनवुड जो कि 3 गोल कर चुका, तो अभी इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा। और यहाँ से क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो कि इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सीधा कैप्टन ही अपनी टीम का, तो इसे हम ज़्यादा एनालाइज नहीं करेंगे। जैसे लिंगार्ड जो कि परफॉर्मेंस अच्छा करता है, लेकिन आपको याद रहे ये 90 मिनट कभी नहीं खेलता और 90 मिनट नहीं खेलेगा, अगर स्टार्ट करेगा भी तो आपके लिए 60 मिनट बाद ये सब्स्टिट्यूट होने का भी चांस रखेगा। तो उस कंडीशन में आपकी चॉइस रहेगी आप इसको पिक करते हो नहीं करते हो, लेकिन मैं लाइनअप आने के बाद पिक करूंगा। इसके अटैकिंग पोजिशन रहेगी या डिफेंसिव वाइज रहेगी उसी कंडीशन के अनुसार। फ्रेड एक ऐसा प्लेयर है जो आपके लिए डिफेंसिव पॉइंट काफी देगा, कम से कम 30 पॉइंट बिना गोल के दे जाएगा अगर गोल करने का और असिस्ट करने का चांस कम रहता है बंदे का, लेकिन ये बोलते हैं कि शताब्दी में एक दो बार कर ही देता है। तो उस
उस तरह का प्लेयर है, वैसे डिफेंसिव पॉइंट काफ़ी अच्छा देता है। तो आपकी चॉइस रहेगी आप उसको पिक करते हो नहीं करते हो, लेकिन मैं यहाँ से टॉप थ्री को अपनी टीम में ट्राई करके चलूंगा। अब बात करते हैं असिस्ट के मामले में इस टीम तरह से कौन से प्लेयर निकल कर आते हैं, तो एक बार नज़र डालते हैं। तो गाइज असिस्ट के मामले में यहाँ से पॉल पोगबा जो कि 7 असिस्ट कर चुका है, लेकिन इसका रिकॉर्ड बताता हूँ। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने यंग बॉयज के सामने 2 मैच खेले, लेकिन 2 मैच में मैनचेस्टर यूनाइटेड ने 4 गोल किए हैं, जिनमें से पॉल पोगबा का 2 गोल हैं। तो कहीं ना कहीं इसका जो हेड टू हेड रिकॉर्ड है वो काफ़ी बेहतरीन है, तो उस कंडीशन में एक इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा और असिस्ट पोटेंशियल काफ़ी हाई रखता और गोल का भी चांस रहते हैं। वहीं पर बात करें ल्यूक्सो जो कि एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है, आपके डिफेंसिव पॉइंट भी देगा प्लस असिस्ट पोटेंशियल काफ़ी हाई रखता है, तो उस कंडीशन में एक इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा। और यहाँ से राफेल वराने एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है, विक्टर लिंडोफ एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है, मतलब यहाँ से हम चारों प्लेयर्स को अपनी टीम में ट्राई करके चलेंगे। अब बात करते हैं इस मैच का स्कोरलाइन का प्रेडिक्शन का अनुसार क्या रहने वाली इस मैच जो हमारी शमोलिक टीम है ड्रीम इलेवन पर, तो नज़र डालते हैं ड्रीम इलेवन की टीम पर। तो गाइज फिलहाल के लिए ये टीम है जिसमें कैप्टन रोनाल्डो को रख के चले हैं और वाइस कैप्टन यहाँ से ब्रूना को रख के चले हैं अपनी टीम में। यहाँ से पॉल पोगबा आप इन्हें कैप्टन जरूर बनाना ग्रैंड लीग टीम में कम से कम 2 में, क्योंकि इसका जो हेड टू हेड रिकॉर्ड है वो काफ़ी बेहतरीन है, तो उस कंडीशन में कहीं ना कहीं अच्छा परफॉर्मेंस करके दे सकता है। और यहाँ से हम लेफ्ट फॉरवर्ड को पिक कर चलें, इसका जो परफॉर्मेंस रहता है डिफेंसिव वाइज काफ़ी अच्छा रहता, मतलब इंटरसेप्शन टैकल का पॉइंट काफ़ी अच्छा देगा, तो उस कंडीशन में हम इसको पिक कर चलें। एवान बिसाका, ल्यूक्सो और राफेल वराना और हैरी मगुरो को हम अपनी टीम में ट्राई करके चलें। हैरी मगुरे जो कि हेडर में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, आप इन्हें एक लो स्कोरिंग मैच में कैप्टन भी बना सकते हो, तो एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है। बाकी के जो भी प्लेयर्स हैं उन सभी का आपके सामने रिकॉर्ड के अनुसार मैंने ये टीम बनाई है, लेकिन आफ्टर लाइनअप जो टीम में चेंजिंग होगी वो होगी लाइनअप आने के बाद कि कौन सा प्लेयर अटैकिंग वाइज खेलेगा, कौन सा प्लेयर डिफेंसिव पोजिशन खेलेगा, उसका अकॉर्डिंग जो टीम रहेगी वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने टॉप के कॉमेंट और इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना। याद रहे सर्च करके ज्वाइन बिल्कुल मत करना, लिंक के जरिए ही आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, खुद का ख्याल रखना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और हाँ अगर आपको वीडियो वास्तव में पसंद आई तो लाइक भी करना, अगर नहीं पसंद आई तो वीडियो पर ऑप्शन रहता है डिसलाइक का, तो आप उसे डिसलाइक भी कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच वीडियो कंप्लीट देखने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।